स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं की बड़ी खबर। रक्षाबंधन के महत्वपूर्ण त्योहार के मौके पर आशा एवं पर्यवेक्षकों को प्रोत्साहन राशि से वंचित किए जाने का विरोध में आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि प्रदेश में आशा एवं पर्यवेक्षक स्वास्थ्य संबंधी सभी अभियानों में अग्रमक्ति में रहती है। वे वर्ष भर अभियान चलाती कहती है। आशा एवं पर्यवेक्षक आम जनता की आशा का केंद्र है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आशा एवं पर्यवेक्षकों को बंदा रहने के लिए निर्धारित प्रोत्साहन राशि का न कभी उन्हें समय पर देते हैं और न ही पूरा देते हैं। पिछले 3-4 महीनों से अधिकांश आशा एवं पर्यवेक्षकों का भुगतान नहीं हो रहा है। रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण त्योहार सामने होने के बावजूद आशा एवं पर्यवेक्षकों को उनके खुद के प्रोत्साहन राशि से वंचित रखा जा रहा है। बार बार पत्र एवं ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए जाने के बावजूद विभाग एवं सरकार को यह कार्यवाही अमानवीय एवं अन्याय की सारी हदों को पार करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 365 दिन एवं रात में सेवाएं देने वाली आशा एवं पर्यवेक्षकों को बेवेतन बटा प्रोत्साहन राशि का भुगतान को त्योहार के वक्त में रोक कर आशा एवं उनके परिवार को आर्थिक बदहाली की ओर धकेलने की सरकार एवं विभाग का यह रवैया चिंताजनक है। आज हम आज हम सभी आशा उषा कार्यकर्ता बहने, सहयोगी बहने, पर्यवेक्षक बहने एक हुए हैं। मांग हमारी यही है कि जो अधूरे भुगतान हो रहे हैं, जो रुके हुए भुगतान हैं, वो पूरे किए जाएं। साथ ही हमारा रक्षाबंधन जैसा त्यौहार है बहनों के लिए, और हमारे सभी जिम्मेदारों ने भुगतान नहीं दिया है। 4 माह से राज्य मद का पैसा रुका हुआ है, 1000 की मानदेय वृद्धि बाकी हुई है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज हम सभी लोग बहने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और साथ ही आशाओं की सुरक्षा को लेकर भी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूजा कनौजिया, प्रदेश महासचिव, आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन, जिंदाबाद। हाँ, प्रदर्शन तो काफी समय से चल रहा, हम लोगों ने बार बार अवगत भी कराया है, लेकिन पता नहीं जिम्मेदारों को सह कौन देता है, और लगातार आशाओं के साथ अन्याय हो रहा है। सुरक्षा को लेकर, आशाओं के वेतन को लेकर, भुगतान को लेकर उसमें पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। भुगतान तो बनेंगे 8,000, 9,000, 6,000 तो सीधे सीधे हमारा फिक्स हो चुका है। इंसेंटिव को मिला के 10,000 से 12,000 के भुगतान बनते हैं, लेकिन किसी को 2,200, 3,200, 4,200 तक आकर राशि रुक जाती है। उसके बाद जिम्मेदारों से जब भी बोलो, 3-3 माह का भुगतान रोक लिया जाता है, फिर 3 माह का एक साथ 2 महीने का दिया जाता है। ऐसे में हिसाब नहीं हो रहा है, पारदर्शिता नहीं पाई जा रही है, जिससे हमारी बहनें परेशान हैं, और लगातार आशा बहनों के भुगतान में कटौती की जा रही है। इसी मांग को लेकर हम लोग बार बार पुनः एक होते हैं कि हमारे भुगतान पे कहां घोटाला की जा रहा है, इसकी CBI जांच की जावे।